तुम लोग, मुझे लगा हमारे बर्थडे वाले आ गए। आओ आओ अंदर आओ। तुम्हें पता है ना, आज बाय द वे बर्थडे है किसी का? किसका? अरे भारतीय संविधान का। इट्स द बर्थडे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 70th बर्थडे, कैन यू इमेजिन? सीनियर हो गए हैं, इसलिए हम थोड़ी सी गेट टुगेदर रख रहे हैं। उन्होंने कहा इस बार ज्यादा मतलब पार्टी नहीं चाहिए, तो हम छोटा सा केक भी लेके आए हैं। सी कहाँ गए हैं? अरे भारतीय संविधान है, दुनिया देखो हो क्या रहा है, प्रोटेस्ट हो रही है। वहां पे है भारतीय संविधान प्रोटेस्टर्स के साथ। क्योंकि ना जब भी डेमोक्रेसी को डेंजर होता है ना, तो हमारी संविधान वहां पे पहुंच जाती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्रोटेक्शन ब्लैंकेट एंड अ वेपन फॉर एनीवन हु वांट्स डेमोक्रेसी। पता है, जब मैं स्कूल गई थी तो संविधान के बारे में ज्यादा सिखाया नहीं था। पता नहीं क्यों, वो सिविक्स को मतलब जस्ट ऑप्शनली बताते थे। फिर प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि बचपन में नहीं सिखाया, तो इसीलिए अभी जवानी में ऐसे सीखना पड़ रहा है। प्रोटेस्ट्स पे जा जा के, प्रीएम्बल पढ़ पढ़ के पता चल रहा है कि भाई वी आर अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और तो इतनी सारी क्वालिटीज लेके बेचारा एक संविधान पूरा बोझ। तो उसके लिए थोड़ी तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए ना। में जब स्वतंत्रता मिली थी, तब से 2 साल और 11 महीने और 18 दिन के लिए बैठकर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमारी आइडेंटिटी है। अगर कोई हमें पूछे कि भाई क्या आप भारतीय हो, तो आप उनको दिखाओ कि भाई ये हमारी आइडेंटिटी है, यहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे हैं, और यहाँ की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हम फॉलो करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आप और मैं जो ये कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, केक खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारी फंडामेंटल राइट है। ये हमें संविधान ने दी, द फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस डिसेंट। इट्स वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए जब कोई आके बोलता है ना तुम्हें कि हाय प्रोटेस्ट के लिए क्यों जा रहे हो, ये तो बस ऐसे ही है, नहीं नहीं अगर मतलब तुम प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हो तो तुम एंटी नेशनल हो, ऐसी बात नहीं है। अगर प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हो तो ये नहीं कि तुम देश से प्यार नहीं करते, प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हो क्योंकि तुम देश से प्यार करते हो। क्योंकि अगर किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो उसको बताते हैं ना अगर कुछ गलत हो रहा है, तो प्रोटेस्ट भी वैसी ही बात है। हाँ यू नो वैसे ड्यूटीज़ भी बहुत है, ड्यूटीज़ भी हमें बहुत फुलफ़िल करनी होती हैं, द राइट टू रिस्पेक्ट एवरीवन। हाँ इसीलिए बहुत बुरा लगता है जब प्रोटेस्ट्स में जाके यू नो हमारी पुलिस और यू नो कोई और स्टूडेंट्स या कोई भी जाके पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करती हैं, और मतलब है बच्चों के सर पे डंडे मारने, बच्चों के सर पे डंडा मारना ना पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बिल्कुल इक्वल है। क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर है ना, और इंडिया को बनना है ना $5 trillion इकोनॉमी, तो अभी वही करना पड़ेगा। और उसके लिए ना नंबर वन डॉक्यूमेंट, द मोस्ट हेल्पफुल थिंग जो अब तक 70 years तक चला चला के आई है हमें, हमारे देश को, हमारा संविधान, तो उसी की पार्टी चल रही है। हाँ छोटी पार्टी है, इतना बड़ा केक नहीं ला सकी, 1.3 बिलियन पीपल को एक केक थोड़ी ना खिलाऊंगी, तो इसलिए ये सिर्फ संविधान के लिए। Thank you.